Assalamualaikum everyone, this is me Nimi and welcome back to Nimi's vlog. तो अभी का सीन ये है कि दो दिन ब्लॉग डालने के बाद आगी बहन गायब हो चुकी थी, क्योंकि मेरे पास ब्लॉग था पर टाइम करने नहीं था एडिट करने का, उसको एडिट करती पोस्ट करती. और आज का ब्लॉग इतना ज़्यादा ज़रूरी था, तो सुबह उठते ही मैंने स्टार्ट कर दिया ब्लॉग शूट करना. और अभी का सीन ये है कि मैंने जाना है लाहौर, निकलना है एक प्रमोशनल वीडियो के लिए, और वहाँ पर मामा जा रही है मेरे साथ, प्लस हसन भी आएगा वहाँ पर, क्योंकि हसन ने ही शूट करना है. तो हमारा टाइमिंग थी 11:30, हमने निकल जाना है, लेकिन अभी तक हम नहीं निकले. 11:30 हो चुके हैं और अभी हम लोगों ने निकलना है 12 o'clock तक. अभी मैं सिलेक्शन कर रही हूँ अबाया की, जो कि मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये वाला एक अबाया था और मुझे समझ नहीं आ रही मैं कौन सा पहनूँ, और एक ये वाला था. ये मैं ऑलमोस्ट पहन चुकी हुई हूँ, ये वाला नहीं वेयर किया, तो ये वाला आज वेयर करेंगे. और आज का व्लॉग बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. तो अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आ रहा है सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल का आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि मुझे टिकटॉक पे आके आप लोगों को ना बताना पड़े कि मेरा व्लॉग आ चुका है, आप लोगों को यहीं पर नोटिफिकेशन आ जाए. तो अभी निकलना है, पार्सल्स भी जाने हैं, तो पार्सल्स पैक करते हैं और फिर चलते हैं. जी आंटी कर रही हैं सफाई और मैं जाने लगी हूँ सामने वाले रूम में, ताकि मैं जाके देखूँ. बाहर से तो सफाई हो चुकी है, ताकि अरूज आई हुई है. मैंने ना छुट्टी दे दी हुई थी, लेकिन फिर भी अरूज आई हुई है. अरूज को नहीं था पता कि आज छुट्टी है. देखें हम लोगों ने जो पार्सल्स पैक करने हैं, उसमें से कुछ तो स्टिकर्स हैं और उसके अलावा यहाँ पर पड़े हुए हैं ये थंब बोर्ड्स वगैरह, तो उनको पैक करते हैं. तो उनको पैक करती हूँ और पैक करने के बाद मिलती हूँ. अच्छा जी, तो यहाँ पर आंटी पार्सल्स पैक कर रही हैं. ये आंटी ने ना आंटी ने जी पार्सल पैक कर दिए हैं. हमारे पास ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक वो है हार्ट वाला, मैं आपको दिखा देती हूँ. ये है जी एक बहुत ही प्यारा सा, ये इसके साथ एक ट्रे भी है जो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ. ये देखें जी, ये देखें, ठीक है जी. तो इसको भी पैक करवाते हैं और इसके अलावा एक और पार्सल है उसको भी पैक करवाती हूँ और पैकिंग के बाद मिलती हूँ. अच्छा, हम लोगों ने ये पार्सल्स पैक कर लिए हुए हैं, ये सारे पड़े हुए हैं और आंटी को मैं देने लगी हूँ, ताकि पार्सल लेने के लिए भैया है तो वो आंटी के घर से ही पार्सल आके ले जाए. हाँ जी आंटी, थोड़ी सी बबल शीट ले जाए. तो अभी मैं रेडी होने लगी हूँ. ये है उस अबाया का स्टोलर और ये बहुत प्यारा है. अच्छा, अबाया मैंने जो है वो लिया था लाहौर में शॉप से, ये मैंने उल्टा करके रखा हुआ है, बट ये जो स्टोलर है ये मुझे पीआर आया था और ये इसके साथ बहुत ही प्यारा मैच हुआ था. अभी आपको लाइट की वजह से नहीं नज़र आ रहा तो, लेकिन ये इसके साथ बहुत प्यारा मैच था. और अभी मैं ना ये चेंज करने लगी हूँ अबाया पहन के, रेडी होने लगी हूँ, थोड़ा बहुत मेकअप करते हैं और कम्प्लीट रेडी होने के बाद मिलती हूँ. फाइनली आई एम रेडी और मेरी फाइनल लुक देखकर आप लोग भी हैरान हो रहे होगे. असल में मैंने अबाया नया लिया हुआ था सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि मुझे जाना था प्रमोशनल वीडियो के लिए, तो मैंने कहा था कि मैंने ये नया अबाया पहन के जाना है. प्लस इसकी गेम उठाई है स्टॉलर ने, ये स्टॉलर मुझे पीआर आया था. इसकी अनबॉक्सिंग मैं टिकटॉक पे करूँगी, यहाँ पे भी नीचे मेंशन कर दूँगी जिसने भी मुझे भेजा था और उनका अकाउंट मेंशन कर दूँगी. अभी मैं कम्प्लीटली रेडी हो चुकी हूँ, शूज़ मैंने चेंज कर लिए हैं, शूज़ मैंने वही ब्लैक वाले पहने हैं. और अभी जो है ना मैंने लेंस ऐड करने हैं, क्योंकि वो भी प्रमोशन में ऐड है, तो उसको ऐड करने लगी हूँ. उसका व्लॉग भी आप टिकटॉक पे देख लीजिएगा और लगाने के बाद मिलती हूँ, और वो भी बताती हूँ कहाँ से मिले थे. तो अभी मिलती हूँ रेडी होने के बाद. रेडी तो कंप्लीट हो, लेकिन वो लगाने के बाद. अच्छा जी, तो अभी जो है ना मैंने लेंस लगा के रिव्यू कर दिया है, अपना स्टैंड और अपना फ़ोन ले आई हुई हूँ. हुआ बताए क्या है, आप लोगों को मेरे ना स्टॉलर पे भी एक गीला सा निशान ये नज़र आ रहा है. मुझे ना इरिटेशन काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी लेंस लगाने से, और इतनी ज़्यादा इस आँख में तो इतनी ज़्यादा जलन हो रही थी ना, मतलब मैंने ना शायद कुछ भी फिंगर पे लगा हुआ था जिसकी वजह से ना वो आई में चला गया था, और उससे मुझे इरिटेशन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी. तो मैं वेयर करके पूरा दिन तो नहीं रख सकती लाहौर में, तो इस वजह से मैं वैसे भी लेंस पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मुझे इवेंट्स के अकॉर्डिंगली अच्छे लगते हैं और मैं पहनती हूँ. बहरहाल वो कलर बहुत प्यारा है, मैं यहाँ पर पिक्चर से अटैच कर दूँगी. अगर आपने बाय करना है तो लिंक नीचे मैंशन कर दूँगी, आप भी जाके बाय कर सकते हो. फिलहाल आई एम कम्प्लीटली रेडी, और अंकल गाड़ी में मसला आ चुका है, गाड़ी वाला कह रहा है कि कोई मसला आया है और वो ठीक करवा रहे हैं, 10 मिनट्स लग जाएंगे. बल्कि मुझे कॉल आई है कि आप अभी तक निकली नहीं, आप वहाँ पे पूरे ऑलमोस्ट, उन्होंने मुझे कहा 2:30 बजे आप वहाँ पे हो, और अभी टाइम इतना ज़्यादा हो गया हुआ है
के मैं आपको नहीं बता सकती और मुझे जल्दी काफ़ी ज़्यादा है और बार बार फोन आ रहे हैं जी। तो अभी जो है ना वो अंकल आ चुके हैं और मैं सोच रही हूँ कि मैं कौन सा बैग लेके जाऊँ। ग्रीन वाला ही बैग बड़ा होता है तो मेरा दिल कर रहा है कि वही ले जाऊँ, लेकिन मेरे पास एक है स्किन में जो कि उसके साथ प्यारा लगता है और मैं निकाल लूँ। फिर ना अपना ये वाला बैग रेडी कर लिया, ये भी साथ लेके जा रही हूँ, लैपटॉप साथ लेके जा रही हूँ क्योंकि रास्ते में ना मैंने कुछ फाइल्स वगैरह सेंड करनी है और ट्राईपॉड भी इसमें रख लिया हुआ है और ये वाली कैप्सूल है और अंकल बाहर आ चुके हैं तो मैं आपको ना निकलते टाइम मिलती हूँ। सो आई एम कम्प्लीटली रेडी और मम्मा दरवाज़ा लगा रही थी तो चलते हैं अब। मैंने अबाया ये कैप्सूल वगैरह पहन ली हुई है और गाड़ी में जाने के बाद मिलती हूँ। सो अभी भागते हुए जा रही हूँ क्योंकि अंकल बाहर खड़े हैं और भाई बोल रहा है कि आप अभी तक नहीं पहुँचे उसके पास, तो गाड़ी में बैठ के मिलती हूँ। अभी हम शहर में हैं, निकले हैं अभी बत्ती चौक क्रॉस किए। हाँ ठीक है मैं उनको गाइड कर अल्लाह हाफिज़। तुम कब तक आओगे? तो फाइनली मैं अपनी गाड़ी में बैठ चुकी हूँ और चल पड़े हैं लाहौर की तरफ। मैप मैंने लगा लिया हुआ है, आप लोग नज़र आ रहे हैं, और एक घंटा और 3 मिनट के अंदर हम लाहौर में होंगे। तो पहुँच के आप लोग भी हमारा काफ़ी ज़्यादा रास्ता पड़ा, काफ़ी ज़्यादा नहीं सिर्फ 6 मिनट का रास्ता पड़ा हुआ, ठीक है। और सूरज जो है वो डूबने पे है और नहीं बंदा पूछे इसको साइन किया ना मालवा वालों ने। तुम टाइम से पहले पहुंचे हो, तुम्हें मालवों ने साइन किया, मुझे छोड़ गए। वजह सामने गाड़ी में बैठा हुआ है मैनेजर, तो मैं देखना कैसी वीडियो बनाते हैं। तो जी मैं मालमो आ चुकी हूँ, अभी अंदर जाके ना मिलती हूँ, अभी गाड़ी से उतरे हैं। बस अभी खड़ी होती है ना, तुम इधर खड़े हो जाओ फिर तो मैं क्लियर होंगी। किससे? पीछे में जहाँ सेंटर में खड़े हो। हाँ। बस और मेरे ऊपर फोकस करो। मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी है। और ये जी केक आ चुका है, इसे घर जाके ओपन करती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये जी पैकिंग थी और ये लिटिल बाइक की तरह से था, तो इसे घर जाके ओपन करेंगे और फिर मैं आप लोगों को रिव्यू करके दिखाऊंगी। फिलहाल हम निकलने लगे हैं घर के लिए, नहीं बबल शूट रहने लगे हैं, बबल शूट लेके बाद निकलना है घर और घर निकलने के बाद। और ये जी हम लोगों ने एक रोल रख दिया था पीछे, एक रख बेहतरीन, दो ले लेने अभी हम निकलने लगे हैं। जैसे तो कि अभी की सिचुएशन ये है कि मैंने ना कुछ चीज़ें कटिंग करवानी थी और मैंने लैपटॉप इसलिए ओपन किया है वो भी गाड़ी में, और सामान हमारा इस तरह से पड़ा हुआ है और पीछे बबल शूट इस तरह से पड़ी हुई है और आप लोग पीछे देख सकते हो से वैसा है। और अभी फिलहाल मैंने वो जो चीज़ें सेंड कर दी हैं, लैपटॉप मैं साथ ही गई थी, सब बोल रहे हैं लैपटॉप क्यों लाई थी, तो अभी जो मैंने चीज़ें सेंड की है ना वो आ जाएंगी। और अब हम लैपटॉप को करते हैं क्लोज, इसको करते हैं शट डाउन और हम इजी होके बैठते हैं, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा ओके होके बैठी हुई थी लैपटॉप की वजह से। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम उतर चुके थे और ये सामान आप देख सकते हो कि मैंने किस तरह से पकड़ा हुआ। घर जाती हूँ और घर जाके मिलते हैं आप लोगों को, ठीक है जी।
अभी बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, रास्ते में सो चुकी थी मैं कम्प्लीटली, तो घर जाके मिलती हूँ।